लास्ट लेक्चर वी है टॉपिक्स हैं दैट इज द DC analysis of biasing circuit, DC analysis of your input stage, DC analysis of your uh, intermediate stage, and the output stage. Right, so different stages' ki DC analysis. ko perform karna hai. Last lecture mein, we have discussed the DC analysis of bias circuit. So let me show you that. So this was the internal circuit of seven four one op -amp. डेवेशन uh, we की थी डेरिवेशन मीन इसकी analysis की थी एनालिसिस करके वी हैव कैलकुलेटेड दिस आई रेफरेंस करंट इस आई रेफरेंस करंट को वी हैव कैलकुलेटेड देन उसके बाद हमने क्या किया था उसके बाद हमने क्यू इलेवन और क्यू टेन की एनालिसिस की थी क्यू इलेवन और Q10 का क्या काम है Q11 और Q10 एक विडलर करंट मिरर सर्किट डिजाइन करते हैं और जब करंट मिरर की बात आती है तो उसका क्या मतलब होता है 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 ये ये जो रेफरेंस इस Q11 को बायस कर रहा है। और क्यू इलेवन के टर्मिनल्स पर जो बेस एमिटर टर्मिनल्स है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल इस क्यू ट्रांजिस्टर को बायस करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस आई रेफरेंस ये एक विडलर करंट मिरर है तो यहां पर जो करंट मिरर होगा जो यहां पर करंट होगा दैट विल अपियर ओवर हेयर जो Q10 का जो कलेक्टर है यहाँ पर वो अपियर होगा विद रिलेशन ऑफ दिस जो रजिस्टर है हमारे पास R4 इस रिलेशन के साथ वो यहाँ अपियर होगा देन ये जो Q10 है इसके कलेक्टर पर जो करंट होगा इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग दी इटरेटिव वैल्यू मैथड एंड इस करंट की वजह से जो Q9 है और Q8 एट ट्रांजिस्टर्स है उनकी बायसिंग होगी और यही दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है क्यू नाइन एंड क्यू ये हमारी इनपुट स्टेज की बायसिंग में हेल्प करेंगे सो टुडे वी विल डिस्कस द इनपुट स्टेज एज वेल एज Q9 एंड क्यूबेट कैसे इस इनपुट स्टेज को बायस कर रहे हैं एंड इनपुट स्टेज में हम अपर इनपुट स्टेज एंड लोअर इनपुट स्टेज दोनों की बायसिंग को स्टडी करेंगे सो बिफोर दैट जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि हमने फर्स्टली जो कैलकुलेट किया था आई रेफरेंस की वैल्यू दैट इज 0.7 सेवन मिली एम्पियर हमने 0.7 मिली एम्पियर कैलकुलेट की थी एंड नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर आईसी टेन इज नाइनटीन माइक्रो तो इस वैल्यू को हमें इन दोनों वैल्यूज़ को याद रखना है, आउटपुट डायरेक्शन uh, uh, में मूव कर रहे हैं जैसे जैसे हम आउटपुट स्टेज की तरफ मूव करेंगे वी नीड टू मेमोराइज दीज वैल्यूज क्योंकि ये वैल्यूज को हम यूज करेंगे राइट सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इनपुट स्टेज एनालिसिस सो दिस इज दिनपुट डीसी स्टेज ये मैंने इनपुट स्टेज बनाई है एंड यू कैन सी ओवर की मैंने इनपुट स्टेज का सिर्फ अपर पोर्शन बनाया है अपर पोर्शन का मतलब क्या है इनपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ क्यू नाइन टू क्यू सेवन ट्रांसिस्टर क्यू वन सॉरी क्यू वन से लेकर क्यू सेवन तक के इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं बट यहां पर मैंने सिर्फ क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर ट्रांसिस्टर्स ही लिए हैं बाकी ट्रांजिस्टर्स मैंने लोअर साइड में ली है आई हैव मैं ओवर हेयर कि इनपुट स्टेज डीसी एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ अपर पोर्शन की अभी हम एनालिसिस सिर्फ अपर पोर्शन की कर रहे हैं देन उसके बाद हम लोअर पोर्शन की एनालिसिस करेंगे राइट right? Also, इस सर्किट के साथ हमने Q9 और Q8 बायसिंग सर्किट भी डिजाइन किया है सो so दैट ये चीज भी हम स्टडी कर सकें कि कैसे Q8 और Q9 जो है वो इस अपर इनपुट स्टेज की बायसिंग कर रहा है ऑल्सो जो Q3 और Q4 फोर ट्रांसिस्टर्स है इनका जो सेंटर पॉइंट है जो बेसिकली बेस है वो था कनेक्टेड और जो बेस से एक आउटपुट है वो जा रही है टूवर्ड दिस तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर आई हैव मेंशन IC10 सो बेसिकली अगर हम मेन डायग्राम में देखें लेट मी शो यू द मेन डायग्राम इन द मेन डायग्राम जो ये पॉइंट है Q3 थ्री एंड क्यू के बीच का जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका टूवर्ड्स क्यू जा रहा है तो इस पॉइंट को हमने डायग्राम में मेंशन किया है एंड यहाँ पर इस ब्रांच में हमारे पास करंट था राइट? इस ब्रांच में हमारे पास करंट था, सो डिस्कस अबाउट दिस क्यू फाइव क्यू सिक्स क्यू सेवन एंड दीज थ्री रजिस्टर्स राइट ओके सो इस पॉइंट को हमने एक्स लिया है यहाँ पर हमारे पास आईसी

Q13 थर्टीन ट्रांजिस्टर क्यू ट्रांजिस्टर एंड Q20 ट्वेंटी ट्रांसिस्टर्स को छोड़ के जितने भी ट्रांजिस्टर्स हम इस 741 फोर में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर हैं और स्टैंडर्ड ट्रांसिस्टर का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसिस्टर्स हैं सब मैच ट्रांजिस्टर हैं सब मैचिंग कर रहे हैं सबकी मैचिंग है सबका कलेक्टर एमिटर बेस सेम है

मतलब दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर करंट है उनकी वो सेम वैल्यू के हैं और उनकी वैल्यू कितनी है उनकी वैल्यू आई है राइट नाउ द बेस ऑफ Q1 वन क्यू टू आर ग्राउंडेड जो बेस है Q1 और Q2 के वो ग्राउंड है अभी हम सिर्फ Q1 और Q2 टू ट्रांसिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो Q1 वन के ट्रांसिस्टर uh, और Q2 टू ट्रांसिस्टर के कलेक्टर करंट हमने मैंशन कर दिए विच इज इक्वल टू आई देन जो बेस टर्मिनल है बेस टर्मिनल ग्राउंडेड है बिकॉज जब हम डीसी एनालिसिस की बात करते हैं तो जो हमारी Uh, एसी इनपुट होती है उसे हमने ग्राउंड किया हुआ है सो so ग्राउंडेड है बोथ आर इक्वल टू जीरो पर हमने मैं क्यू वन जो था वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये इनवर्टिंग इनपुट है पर यहाँ पर दोनों ही ग्राउंडेड होने की वजह से बेस करंट ऑफ बोथ इज इक्वल टू जीरो राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज ओके okay. अगेन मैंने यहाँ पर डायग्राम वही सेम डायग्राम बनाया है सो दैट इजली वी कैन चेक आउट राइट सो अब ये डायग्राम है नाउ वी हैव डिस्कस कि दोनों के कलेक्टर करंट आई है अगर दोनों की कलेक्टर करंट आई है एंड वी नो दैट कि बेस हमने दोनों के ग्राउंड किए हुए हैं तो अगर बेस ग्राउंड होने का मतलब ये है कि जितना भी करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो टू बेस तो गया नहीं है वो सारा का सारा टू एमिटर आ रहा है सिमिलरली फॉर क्यू टू ट्रांसिस्टर जितना भी कलेक्टर में करंट है बिकॉज बेस करंट इज जीरो सो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू एमिटर करंट वाई बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आईई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई अगर बेस करंट जीरो है तो एमिटर करंट विल बी इक्वल टू कलेक्टर करंट सो दैट मीन जो एमिटर करंट है uh, Q1 का और क्यू टू का वो भी सेम हो जाएंगे ऑल्सो like right? अब, अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है कि जो क्यू वन है उसका कलेक्टर करंट आई है क्यू वन का बेस करंट जीरो है क्यू वन का एमिटर करंट आई है सेम फॉर द्यू टू बट क्यू वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद क्यू थ्री also q2 is connected in series with q4 q1 q3 के साथ सीरीज में है एंड q2 q4 के साथ सीरीज में है सो यहाँ अगर हम देखें तो जो करंट q1 के एमिटर में है वही करंट q3 के एमिटर में भी फ्लो कर रहा है नाउ दिस इज द एमिटर टर्मिनल ऑफ q3 तो जो करंट i यहाँ फ्लो कर रहा था वही करंट i यहाँ फ्लो कर रहा है सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि एमिटर करंट ऑफ q1 इज इक्वल टू एमिटर करंट ऑफ e3 इज इक्वल टू i वो भी सेम हो गया एंड सेम फॉर दी क्यू ट्रांजिस्टर आई ई टू विल बी इक्वल टू आई ई फोर इज इक्वल टू आई क्योंकि ये करंट डायरेक्टली ऐसे फ्लो करके सारा करंट एमिटर में आया एंड देन क्यू के एमिटर में भी वही करंट गया ठीक है अब हमें Q1 Q2 का uh, एमिटर बेस एंड

अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ सो आई विल गेट आई ई इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईबी विच इज इक्वल टू आई बी कॉमन डिलेंगे इट विल बी इक्वल टू वन प्लस बीटा तो यहां से जब मैंने आई बी की वैल्यू निकाली इट इज इक्वल टू आई ई अपॉन वन प्लस बीटा बट इस एनालिसिस में इस सेवन फोर वन इक्वल टू फिफ्टी और टू हंड्रेड फॉर एनपीएन और पी एन पी रिस्पेक्टिवली तो बीटा बहुत ज्यादा हाई है वन से तो जब बीटा बहुत ज्यादा हाई है सो वी कैन इग्नोर दिस वन हम इसे इग्नोर कर सकते हैं तो जब इग्नोर किया तो बेस वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई करंट जो बेस करंट है दैट इज इक्वल टू आई ई बाय बीटा ऑल्सो आई ई वी नो दैट कि एमिटर करंट किसके इक्वल था एमिटर करंट तो ऑलरेडी आई के इक्वल था तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दैट बेस करंट आई बी इज इक्वल टू आई बाय बीटा

इस इस तरफ आ इस तरफ आ तो आ आ रहा 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 है 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 की तो अगर और से आ रहा है तो विल बी टू आई बीटा। तो कितना हो जाएगा आई बीटा। और ये करंट एंटर कहां कर रहा है? ये करंट एंटर कर रहा है इस एक्स नोड में नाउ दैट मीन इस एक्स नोड में जो करंट एंटर कर रहा है वो टू आई बाई बीटा है एक करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है एंड सिमिलर से भी आईसी जो करंट है क्यू नाइन का जो करंट है वो भी इस एक्स में एंटर कर रहा है सो नो अस सी कि क्यू एट और क्यू नाइन का क्या काम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्यू नाइन एंड क्यू एट को भी हम मानते हैं कि वो दोनों स्टैंडर्ड ट्रांसिस्टर्स हैं और मैच्ड है अगर वो दोनों ट्रांजिस्टर स्टैंडर्ड और मैस्ट है तो दैट मीन जो कलेक्टर करंट क्यू नाइन और क्यू एट का वो भी सेम हो जाएगा सो लेट एस सी कि क्यू एट है ये Q9 है अगर दोनों ही मैच ट्रांजिस्टर हैं और यू कैन ऑल्सो सी ओवर कि ये दोनों ही विडलर करंट सॉरी बेसिक करंट मिरर सर्किट डिजाइन कर रहे हैं ये करंट मिरर सर्किट है तो दोनों की ब्रांचेज में सेम करंट होना चाहिए राइट बिकॉज इनपुट करंट इज इज इक्वल टू आउटपुट करंट इन द बेसिक करंट मिरर सर्किट राइट तो जो Q8 का कलेक्टर करंट है वो हमने कितना लिया है IC लिया है वही करंट हमारा Q9 का हो जाएगा Q9 का भी जो कलेक्टर करंट है इट इज इक्वल टू IC. सो वी हैव रिटर्न ओवर हियर दैट IC9 इज इक्वल टू IC8 इज इक्वल टू IC अब अगर हमें किसी का भी कलेक्टर करंट पता है अगर हमें कलेक्टर कलेक्टर करंट करंट पता है, कि और में एक रिलेशन होता है दैट इज IC इज इक्वल टू बीटा आई बी आईसी जो है वो बीटा आई बी के थ्रू कनेक्टेड होता है बेस करंट से तो अगर मुझे कलेक्टर करंट पता है आई कैन कैलकुलेट बेस करंट विच इज इक्वल टू आई सी बाई बीटा तो अगर मुझे कलेक्टर करंट पता था Q9 ट्रांजिस्टर का और Q8 ट्रांजिस्टर का तो आई कैन कैलकुलेट दी बेस करंट सो आई हैव कैलकुलेटेड बेस करंट फॉर नाइन ट्रांजिस्टर इज बाय बीटा ऑल्सो जो एट्स ट्रांजिस्टर है उसका भी क्या आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू आईसी बाय बीटा ऑल्सो उसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास आईसी बाय बीटा सो दैट इज वाई जो बेस करंट मैंने लिखा है क्यू एट और क्यू नाइन का यू कैन सी हेयर हमने क्या लिखा है Q8 का और Q9 का दोनों का बेस करंट कितना हो गया IC by beta also over here IC by beta right so now moving on to the next page okay so again यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में यू कैन सी कि यहां पर भी हमारे पास आईसी बाय बीटा है यहाँ पर भी आईसी बाय बीटा है अब इस नोड में ये दोनों ही करंट एंटर कर रहे हैं जब ये दोनों करंट इस नोड में एंटर करेंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा तो टोटल करंट विल बी टू आईसी बाय बीटा सो दैट इज वाई हमने यहाँ क्या लिखा है कि टोटल करंट कितना हो जाएगा टोटल करंट हो जाएगा टू आई सी बाय बीटा लेकिन ये करंट कहाँ आ रहा है ये करंट आ रहा है इस नोड पर इस नोड पर ये नोड क्या है नोड ए है अब इस नोड पर ये क्या होना चाहिए यहाँ पर तो हमें पता ही है कि कलेक्टर करंट है क्यू एट का और यहाँ से क्या आ रहा है दोनों बेस करंट ऐड होके टू आई सी बाय बीटा बना रहे हैं यहाँ मैंने टू लिखा है क्यों Because जब हमने इसकी डीसी एनालिसिस स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब दोनों ही करंट आई आई है तो टोटल करंट क्या होगा टू आई सो दैट मीन्स अगर इस पॉइंट पे हम केसे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी इक्वेशन विल बी टू आई इज इक्वल टू टू आईसी बाई बीटा प्लस आई सी

इन दोनों का कलेक्टर करंट ये कलेक्टर करंट कहा जा रहा है ये इस नोड में जा रहा है एक्स नोड में सो मैंने यहाँ लिख दिया है टू आई अपॉन आई वन प्लस टू बाई बीटा ये इस नोड में जा रहा है सो अगर एक्स नोड पर अब हम के अप्लाई करते हैं एक्स नोड के क्रॉस अगर हम के अप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बनेगी ये दोनों इनकमिंग करंट है आईसी टेन इज दउट गोइंग करंट तो आईसी टेन बी इक्वल टू टू आई बाई अपॉन अपन प्लस टू बाई तो ये इक्वेशन आ गई गईसी टेन की वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज नाइनटीन माइक्रो एम्पियर तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो कि वेदर इट इज पी एन पी ट्रांसिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर ठीक है तो बीटा की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं तो बीटा की वैल्यू क्योंकि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है यू कैन सी ये किसका ट्रांजिस्टर है दिस इज योर पीएनपी ट्रांजिस्टर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है एंड फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर बीटा इज फिफ्टी तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं हमारे पास आईसी टेन की वैल्यू है हमारे पास बीटा की वैल्यू है फिफ्टी सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट दैल्यू फॉर दिस करंट आई और ये करंट आई कौन सा था ये वो करंट है जो हमने स्टार्टिंग में ही कंसिडर किया था कि Q1 और Q2 का जो कलेक्टर करंट है वो आई होगा तो वो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो so यहां से जब मैंने सारी वैल्यूज पुट करी तो इस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 9.67 पॉइंट सिक्स सेवन माइक्रो एम्पियर्स दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट सिक्स सेवन माइक्रो एम्पियर्स राइट नो दिस वैल्यू विल बी स्टेबल कि ये वैल्यू जो है ये हमेशा रहेगी. So, इसके होने का क्या रिलेशन मतलब है? है, है? Uh, है? है ये जो करंट आई है इसका क्या रिलेशन आ रहा है इसका रिलेशन इन दोनों के साथ है टू आई अपॉन वन प्लस टू बाई बीटा एंड टू आई बाई बीटा कैसे रिलेशन है इस इक्वेशन के थ्रू रिलेशन है आईसी टेन इज इक्वल टू पॉइंट पे जब हमने KCL लगाया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी तो ये करंट स्टेबल कब रह सकता है ये करंट स्टेबल कब होगा अगर एक फैक्टर इंक्रीज करेगा अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगी राइट right? तो उससे क्या होगा हमारा जो करंट है दैट विल मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी

अगर हमारा करंट जो है वो किसी भी फैक्टर की वजह से इंक्रीज होता है तो वो दूसरे फैक्टर को डिक्रीज कर देगा आई टेन उसे मेंटेन करेगा इस इक्वेशन की हेल्प से अगर एक फैक्टर इंक्रीज हुआ तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा और इस तरह से जो आई फैक्टर है वो हमेशा हमारा स्टेबल रहेगा राइट सो दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस करंट आई राइट right. सो so, ये एनालिसिस तो हो गई हमारी अपर पोर्शन की अपर पोर्शन में हमने ये देख लिया कि अपर पोर्शन में Q8 Q9 का बेस करंट क्या है कलेक्टर करंट क्या है सिमिलरली Q1 Q2 Q3 और Q4 इन सब के भी हमने एमिटर बेस करंट और कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लिए राइट right? सो so q1 q2 हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर था q3 q4 हमारा लेवल शिफ्टर सर्किट था तो इन सब की कैलकुलेशंस को हम देख चुके हैं ना यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो q3 और q4 था ये कनेक्टेड होके ये नीचे की तरफ जा रहे हैं इनका कनेक्शन कहाँ है इनका कनेक्शन जो लोअर पोर्शन है हमारे इनपुट स्टेज का उनके साथ है q3 कनेक्टेड है uh, q5 के साथ और q4 कनेक्टेड है q6 के साथ राइट सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट डायग्राम की हाउ इट इज कनेक्टेड विद द लोअर पोर्शन सो दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द इनपुट स्टेज अब ये हमारे पास लोअर पोर्शन है इनपुट स्टेज का यहाँ पर यू कैन सी की ये डैश लाइन जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है ये क्यू थ्री ट्रांसिस्टर से आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर हमने आई सी थ्री लिखा है क्योंकि क्यू थ्री का जो कलेक्टर है इट इज कनेक्टेड विद दिस लाइन कलेक्टर करंट उसका कितना था उसका कलेक्टर करंट आई था यू कैन सी फ्रॉम दिस पेज जो उसका कलेक्टर करंट था क्यू थ्री का कलेक्टर करंट दैट वॉज आई सो आई हैव रिटर्न आई सिमिलरली क्यू फोर का कलेक्टर करंट भी आई था तो यहां पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहां पर भी क्यू फोर का कलेक्टर करंट आई लिखा है IC4 फोर इज इक्वल टू आई राइट नौ ये ट्रांजिस्टर क्यू सेवन है देन दिस इज क्यू फाइव Q6 और इसके साथ तीन रेजिस्टर्स है हमारे पास R1, R2 एंड R3 सो लेट मी शो यू द मेन डायग्राम कि ये सर्किट हमारे पास कहाँ से आया यू कैन ऑल्सो सी कि Q6 की तरफ से हमारा एक Q16 कनेक्टेड है तो लेट मी शो यू इन द मेन डायग्राम कि ये डायग्राम हमारे पास कहाँ से बेसिकली आता है राइट right? ओके फ्रॉम हेयर यू कैन सी क्यू थ्री इज कनेक्टेड विद क्यू फाइव क्यू फोर इज कनेक्टेड विद क्यू फोर हमारे पास ये सर्किट है अब क्यू फाइव क्यू सिक्स क्यू सेवन एंड थ्री रजिस्टर्स ही ट्रांजिस्टर्स एक एक रजिस्टर से कनेक्टेड है एंड क्यू सिक्सटीन ट्रांजिस्टर जो है वो कहां से कनेक्टेड है वो क्यू फोर और क्यू सिक्स के बीच में से कनेक्टेड है तो वही कनेक्शन हमने वहां प्रेजेंट किया है राइट सो दिस इज द लोअर पोर्शन ओके सो ये कनेक्शन है हमारे पास क्यू सेवन है सो वी आर कंसिडरिंग अगेन दैट बेस करंट फॉर क्यू सेवन इज जीरो सिमिलरली बेस करंट फॉर क्यू सिक्सटीन इज जीरो हम क्यू कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज वी आर से बीटा वैल्यू जो है जो करंट गेन है इट इज वेरी हाई की जो बेस करंट है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया ठीक है सो द एमिटर करंट ऑफ क्यू थ्री एंड क्यू फोर इज आय क्यू एमिटर करंट क्यू क्यू थ्री एंड क्यू फोर का आय वी नो दैट की एमिटर करंट जो था क्यू थ्री और क्यू फोर का वो आए है अगर हम मान लेते हैं कि जो बेस करंट है uh, Q3 एंड Q4 का वो आई बीटा था तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है अगर हम कैलकुलेट करें बिकॉज वी नो द वैल्यू फॉर I I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 9.67 एंड बीटा की वैल्यू फॉर पी एन पी इज फिफ्टी तो वी कैन सी ओवर हेयर कि बेस करंट कितना स्मॉल है इट इज जीरो पॉइंट जीरो 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 वन नाइन एमपी तो बहुत स्मॉल है सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि लेटेस से बेस करंट इज जीरो सो so, अगर बेस करंट जीरो हुआ अगर दोनों के करंट जीरो हो गए वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रांजिस्टर्स Q3 थ्री एंड क्यू अगर बेस करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया बिकॉज वी नो दैट बेस करंट इज बीटा है पर हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट की जब आई की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने यहाँ वैल्यूज पुट की तो वी कैन सी कि ये वैल्यूज बहुत स्मॉल है तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है तो जो भी करंट यहाँ है वो सारा का सारा करंट कलेक्टर पर आ जाएगा और ये करंट कहा जा रहा है डायरेक्टली क्यू एंड क्यू सिक्स पर राइट सो देखो ये करंट जब जीरो हो गया बेस करंट तो यहाँ पर जो करंट था uh, Q3 और Q4 के कलेक्टर पर वो कहा आ गया वो इस पॉइंट पर हमने मेंशन कर दिया राइट नाउ लेट अस से लेट अस एज्यूम कि जो बेस करंट है अगेन Q7 का और Q16 का वो भी नेग्लेजिबल है बिकॉज जो बीटा है वो बहुत हाई है अब अगर ये बेस करंट भी जीरो हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन ये जो करंट आई है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस साइड यहां जाने की बजाय सारा का सारा करंट यहां आ जाएगा सो so, इसका मतलब ये है ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका जो कलेक्टर करंट है वो भी आई के इक्वल हो जाएगा सो so, इसीलिए IC5 फाइव भी आई के इक्वल हो गया और इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं नाइन पॉइंट सिक्स फाइव माइक्रो एम्पियर्स सिमिलरली जो कलेक्टर करंट क्यू फोर का था वो अगर क्यू सिक्सटीन में जाने की बजाय क्योंकि इसका बेस करंट जीरो हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ अपियर हो जाएगा कलेक्टर ऑफ क्यू सिक्स पर राइट सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू नाइन सिक्स की आई सी थ्री इज इक्वल टू आई सी फाइव हो जाएगा और उसकी वैल्यू आई के इक्वल होगी एंड आईसी फोर विल बी इक्वल टू आई सी सिक्स और उसकी वैल्यू भी आई होगी वाई बिकॉज बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो राइट सो नाउ नो क्यू Q5 का कलेक्टर करंट क्या होगा आई और आई विच इज इक्वल टू 9.67 अब Q5 और क्यू के दूसरे को भी हम करते हैं क्यों so क्यू हम उन्हें सिमेट्रिक ट्रांजिस्टर्स बोल सकते हैं उसका रीजन ये है कि दोनों के साथ जो रजिस्टर्स लगे हैं आर और आर यू कैन सी दोनों ही रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं वन किलोम वन किलोम राइट सो दैट मीन्स दोनों ही ट्रांजिस्टर्स जो है वो सिमेट्रिक ट्रांजिस्टर्स हैं अपनी एमिटर साइड से क्योंकि इनके एमिटर पे दोनों के सेम रजिस्टर्स लगे हुए हैं राइट सो देयरफॉर बोथ ट्रांजिस्टर विल फोर्स करंट आईसी फाइव एंड आईसी सिक्स टू बिकम इक्वल मतलब यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है Q5 और Q6 का क्योंकि इसका एमिटर साइड इक्वल है तो ये साइड इक्वल होने की वजह से ये कलेक्टर को फोर्स करेंगे कि दोनों करंट हमेशा इक्वल रहे ताकि ये दोनों ही करंट यहाँ पर आई आई रहे ठीक है तो हमेशा ये फोर्स करेंगे क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होता तो वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता वो सिमेट्रिकल नहीं होता लेकिन रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी सेम हो जाएगा राइट सो so, अगर हमने कलेक्टर करंट क्यू फाइव और क्यू सिक्स का कैलकुलेट कर लिया है which is I, Q, i's, Q6 का भी I है, तो वी कैन बीटा तो IC बाय बीटा होगा तो क्या होगा आई बाय बीटा हो जाएगा बिकॉज आई सी क्या है आई है तो आई बाय बीटा हो जाएगा तो इसीलिए हमने यहां मेंशन कर दिया कि बेस करंट फॉर क्यू फाइव एंड क्यू सिक्स इज आई बाय बीटा आई बाय बीटा बीटा फॉर क्यू सेवन अब हम क्यू सेवन की बात करते हैं कि क्यू सेवन के लिए हमने कैलकुलेट नहीं किया है सो क्यू सेवन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है हमें इस करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस आई को क्यू क्योंकि हमें कलेक्टर करंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैलकुलेट तो कर लेंगे तो कलेक्टर के सी एल अप्लाई करके सो हाउ कैन वी डू दैट हमें पता है कि यहाँ पर दोनों करंट बेस करंट है कि R3 के अक्रॉस जो करंट है इट इज आई एक्स सो इफ वी कैन अप्लाई द केवीएल एट दिस पॉइंट इक्वेशन विल बी आई प्लस

जो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा हमें वो कैलकुलेट करना है क्यों क्योंकि हमें यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट क्यों करना है क्योंकि वी नीड टू कैलकुलेट दिस लेकिन वोल्टेज ड्रॉप पता कैसे चलेगा बिकॉज ये तीनों ही रजिस्टर एक दूसरे के पैरल है एंड वी नो दैट की जब रजिस्टर पैरल में होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होता है तो दैट मीन अगर हम किसी दो रजिस्टर किसी एक के अक्रॉस इधर आर वन या आर टू के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर ले तो वही वोल्टेज ड्रॉप आर थ्री के अक्रॉस भी होगा सो लेट एस कैलकुलेट दैट ओके सो उसको कैलकुलेट हमने क्या किया है दिअो वोल्टेज अक्रॉस आर टू कैन बी कैलकुलेटेड एस हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस वोल्टेज ड्रॉप सॉरी ओके, से आर टू ले रहे हैं कैसे पता चलेगा? जो आर है पोटेंशियल uh, तो है वो और आर टू के अक्रॉस जो करंट है ये जो पोटेंशियल है ये किसके इक्वल होगा ये पोटेंशियल इक्वल होगा जो आर थ्री के अक्रॉस uh, जो पोटेंशियल है वो और वो क्या है आर थ्री इंटू एक्स ठीक है तो वही चीज हमने यहां लिखी है आर थ्री इंटू आई एक्स इज इक्वल टू वी बी सिक्स प्लस आईई सिक्स इंटू आर टू सो लेटमी शो इन द डाय मैं ओके सो ओवर ये डायग्राम है. Okay. So है हमारे पास आर uh, टू के अक्रॉस लिया है ये क्या है एमिटर टर्मिनल है आर टू के अक्रॉस जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आईई सिक्स ठीक है यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा हमारा एमिटर करंट और अगर बेस करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो हुआ अगर तो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू तो

VBE6 plus IE6 into R2, this whole will be equal to R3 into IX. So, ऑल्सो वी है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसका बीटा जो है वो टू हंड्रेड है अगर बीटा बहुत ज्यादा हाई है तो दैट बेस करंट जीरो का बेस करंट जीरो, जीरो हो गया तो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट सेम हो जाएंगे और वो करंट क्या हो जाएगा आई एंड आई की वैल्यू वी है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में यहाँ आईई सिक्स की जगह हम ये आई पुट कर सकते हैं सो फाइनली ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई आई एक्स इंटू आर के और यहाँ से हमने आई एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया हम यहाँ से आई एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग दी वैल्यू ऑफ वी बी सिक्स आई की वैल्यू हमें पता है आर टू की वैल्यू हमें पता है आर थ्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है सर्किट में राइट सो यहाँ पर क्या करना है हमें वी बी सिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगेन वी बी सिक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फॉर्मुलाइज वी टी इंटू लॉग ऑफ आईसी सिक्स बाय आई एस सेचुरेशन करंट सेचुरेशन करंट इज रेस्टर माइनस फोर्टीन एंड आई सी सिक्स क्या है कलेक्टर करंट आईसी सिक्स जो है वो ऑलरेडी आई के इक्वल है एंड आई की वैल्यू हमें पता है इट इज नाइन पॉइंट फाइव माइक्रो एमपियर सो वीटी वोल्टेज विच इज ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट सारी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास वीबी सिक्स की वैल्यू आ जाएगी 517 अब ये value 5, जो है, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर आई की वैल्यू हमें पता है आर टू की पता है आर थ्री की पता है, है, है यहाँ से डायरेक्ट हम आई एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब ये वैल्यू आई एक्स की हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद i x को हम कैलकुलेट क्यों कर रहे थे बिकॉज़ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर i e 7 क्योंकि i e 7 क्या था इन तीनों करंट्स का सम था i b 5 हमें पता है i by beta था i b 6 हमें पता है i by beta था i x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली और ये सारी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे बीटा 200 है i की वैल्यू भी ऑलरेडी नो ठीक है तो जब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो एमिटर करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव माइक्रो एम्पियर सो दैट मीन्स अगर हमें एमिटर करंट की वैल्यू पता है एंड वी ऑलरेडी सेट दैट कि जो एमिटर करंट है uh, जो हमारा बेस करंट है Q7 ट्रांजिस्टर का वो जीरो है तो अगर बेस करंट जीरो हुआ तो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू एमिटर करंट सो द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव माइक्रो एम्पियर अगेन इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस चेक दी बेस करंट फॉर दिस सेम ट्रांजिस्टर अगर हमें इसका ट्रांजिस्टर का सेम चेक करना है तो बेस करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वी नो दैट बेस करंट इज इक्वल टू आई सी सेवन बाय बीटा सो आईसी सेवन की वैल्यू हमने अभी निकाली टेन पॉइंट फाइव माइक्रो एम्पियर एंड बीटा इज टू हंड्रेड फॉर एनपियन ट्रांजिस्टर तो वो वैल्यू पुट करी तो वैल्यू कितनी आ रही है जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइक्रो एम्पियर विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू दैट इज वाई हम उसे नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं राइट सो गाइस दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज और यू कैन से द इनपुट स्टेज डीसी ऑफ़ 741 जिसमें हमने क्या स्टडी किया है इस टॉपिक में हमने uh, जो अपर पोर्शन था वो स्टडी किया देन वी हैव स्टडीड द लोअर पोर्शन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका कलेक्टर करंट उनका एमिटर करंट एज वेल एज उनका बेस करंट हमने यहाँ कैलकुलेट किया एंड फाइनली जब हमने कैलकुलेशन किया तो Q5 और Q6 का कलेक्टर करंट हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया था देन वी हैव कैलकुलेटेड द बेस करंट 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 व्हिच इज I बाय बीटा देन एमिटर एमिटर हमने कैलकुलेट किया emitter जो होगा वो कलेक्टर करंट के इक्वल होगा अगर बेस करंट एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है देन हमने Q7 के लिए कैलकुलेट किया Q16 हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज Q16 सिक्सटीन इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेकेंड स्टेज तो इसके एनालिसिस हम सेकेंड स्टेज में करेंगे राइट right? so uh, this is all about input stage dc analysis of 741 ic if you have any query or any question regarding this stage you can post your question in the comment box and in the next lecture we will discuss about the second stage dc analysis of 741 ic till then thank you so much